70 के दशक में मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर राजू हुआ करते थे। उस दौर की कई फिल्मों में मास्टर राजू ने काम किया। राजू ने फिल्मों में अपनी मासूमियत से ऐसी छाप छोड़ी कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। मास्टर राजू का जन्म फहीम अजानी के रूप में हुआ था, लेकिन संजीव कुमार ने गुलजार साहब की फिल्म परिचय के दौरान उनका नाम राजू रख दिया था। तब से ही फहीम अजानी मास्टर राजू के नाम से मशहूर हो गए। मास्टर राजू का जन्म 15 अगस्त 1966 को मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। राजू श्रेष्ठ अब 54 साल के हो चुके हैं। उनके पिता यूसुफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जबकि माँ स्कूल टीचर थी। मास्टर राजू का एक भाई अमेरिका में रहता है, जबकि उनकी बहन का निधन हो चुका है। मास्टर राजू के परिवार का फिल्मों से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें 5 साल की उम्र में पहली फिल्म मिल गई थी। इस दौरान वह डोंगरी में रहते थे। बाल और जूनियर कलाकार उन दिनों डोंगरी से आते थे, क्योंकि ज्यादातर कास्टिंग एजेंट वहीं रहते थे। गुलजार परिचय के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे। उन्हें फिल्म के लिए एक ऐसा बच्चा चाहिए था जिसने पहले फिल्मों में काम नहीं किया हो। एक जूनियर कास्टिंग एजेंट ने राजू के पिता से संपर्क करके पूछा कि क्या वो अपने बेटे को फिल्मों में काम करवाएंगे। पहली बार में तो उनके पिता ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो मान गए। ऑडिशन के लिए गए सभी बच्चे अच्छी तरह से तैयार थे। कुछ ने डांस किया तो कुछ ने मिमिक्री की और कुछ दूसरी फिल्मों के डायलॉग बोल रहे थे। गुलजार ने सभी से बात की। जब वो बात करने के लिए राजू के पास पहुंचे तो वो रोने लगे। राजू के माता पिता ने सोचा कि उनका बेटा खारिज हो गया है, लेकिन 2 दिनों के बाद उनके पास गुलजार साहब के कार्यालय से फोन आया। फोन में ये कहा गया कि वह राजू से मिलना चाहते हैं। जब राजू को लेकर उनके माता पिता गुलजार से मिले तो पता चला कि वो ऐसे ही बच्चे की तलाश में थे जैसा राजू है। 1972 में आई फिल्म परिचय में राजू को संजीव कुमार, जितेंद्र, जया बच्चन और प्राण जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। वहीं मास्टर राजू को उनकी पहली ही फिल्म से बहुत पसंद किया गया। फिल्म परिचय में उनका एक सीन बेहद पसंद किया गया था। दर्शक उनकी मासूमियत के कायल हो गए थे। इसके बाद राजू बावर्ची, अभिमान, दाग, अखियों के झरोखे से, चितचोर और किताब जैसी फिल्मों में भी नजर आए। फिल्म दर फिल्म उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आपको बता दें कि राजू श्रेष्ठा 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं और 1976 में आई फिल्म चितचोर के लिए राजू बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। वहीं राजू ने कई मशहूर निर्देशकों जैसे यश चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार और बसु चटर्जी और धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, संजीत कुमार, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर जैसे अभिनेताओं के साथ भी काम किया है। 90 के दशक में राजू श्रेष्ठ ने कई फिल्मों में काम किया। अफसाना प्यार का, शतरंज, खुद्दार, साजन चले ससुराल समेत कई फिल्मों में वो दिखे, लेकिन धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलना उन्हें बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया, जब दूरदर्शन में सिर्फ 1 या 2 धारावाहिक ही आया करते थे। उनका पहला सीरियल 1987 में आया था, जिसका नाम था चुनौती। ये सीरियल काफी मशहूर हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अदालत, बड़ी देवरानी, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, सीआईडी, बानी, इश्क दा कलमा और नजर 2 जैसे सीरियल्स में भी काम किया है। इन दिनों राजू श्रेष्ठा को काम नहीं मिल रहा है, ना तो वो फिल्मों में नजर आते हैं और ना ही किसी सीरियल में। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।